आज मैं गाइस लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। एक एक प्रकार की जड़ी है ये, एकदम डालते ही सबसे पहले कलर कैसे आ गया गाइस। ये बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट तेल है, ठीक है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप आप लोग फाइन होंगे। तो गाइस सुबह के 9 बजने वाले हैं, 8:30 हो रहे हैं एंड काम मेरा निपट चुका है। आज मैंने जल्दी 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 सारा काम निपटा लिया। एक तो मुझे मार्केट भी जाना है, ठीक है। तो अभी मैं झाड़ती नहाने के लिए, उसके बाद जाऊंगी मैं नीतू जी के साथ मार्केट। मार्केट मेरा काम है, थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी लेकर आनी है और एक दो वैसा सब काम है मतलब। तो फिलहाल अभी मैं जाती हूँ नहाने के लिए और उसके बाद तैयार होती हूँ, फिर निकलती हूँ मार्केट के लिए। सुबह इतना अच्छा मौसम हो रहा था, बादल लगे हुए थे, मेरा मन था आज तो कितना अच्छा मौसम होगा, पक्का आज तो मार्केट जाना है करके। और अभी देखा जो चट्टे धूप आ गई है, सुबह तो इतने बादल लगे हुए थे, हमें सुबह खूब बारिश हो गई। बारिश का नामो निशान नहीं हो रहा है, बारिश होनी चाहिए गाइस। जंगलों में इतनी आग लगी पहाड़ों पर, तो बारिश नहीं होगी तो वो जंगल बेचारे जलते रहेंगे, जीव जंतु बेचारे पक्षी सब जल रहे होंगे। तो बारिश ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, यहाँ नहीं भी हो रही पहाड़ों में कम से कम बारिश हो जाए, क्योंकि वहाँ जंगल जल रहे हैं। हम नहीं चाहते वो बेचारे जंगली जानवरों को कुछ हो, फिर क्या होगा, जलेंगे वो बेचारे, वो होंगे और वो नीचे को आएंगे शहरों को, यू नो, और गाँव को जाएंगे, क्योंकि अब वो वहाँ जंगल जलेंगे तो बेचारों के रहने की जगह नहीं, तो कहाँ को निकलेंगे जंगलों को, जहाँ पर लोग रहते हैं उधर को गाँव साइड को जाएंगे तो लग जाएंगे इस वजह से। तो पहाड़ों में बारिश ज़रूरी है। तो गाइस नहाना दोनों हो चुका है एंड सुबह की पूजा पाठ भी हो चुकी है और ब्रेकफास्ट भी मेरा सुबह ही बना दिया था। जब अमित ऑफिस के लिए भी नहीं गए थे तभी उससे पहले मैंने उनके लिए भी बनाया, अपने लिए बनाया। तो अभी ब्रेकफास्ट लेके बैठ गई हूँ। आज ब्रेकफास्ट स्पेशल है आलू के पराठे, चूँकि हमारे बनते नहीं है, बहुत कम बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि कोई खाता नहीं है इतना अच्छे, मतलब इतने मज़े से लेकर, मतलब चाव लेकर कोई खाते हैं ना, हमारे यहाँ आलू के पराठे पसंद नहीं करते। तो आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, तो देख सकते हैं रहे आलू के पराठे, ठीक है। तो हॉटकेस में बना के रख दिए तो ये ऐसे हो गए, क्या करूँ आजकल ऐसा ही खाना खाना पड़ रहा है मेरे को, आलस के मारे। तो इसमें मैंने प्याज भी डाल रखा है और ये साथ में दही ले रखी है, फर्स्ट क्लास, करती हूँ अपना नाश्ता। तो भाई इसमें रेडी हो चुकी हूँ मार्केट के लिए, ठीक है। एंड ये देखिए ज़रा, परसों में लेकर आई थी अपने हाथों को बचाने के लिए ग्लव्स, फुल आर्म ग्लव्स है, ठीक है। वैसे तो मैंने फुल पहन रखी है स्लीव्स, देख सकते हैं, बट ये स्लीव्स ऐसे है आधी कटी हुई और ये पतंगी जैसे उड़ रहा है, ये बांधने हैं अभी नीतू जी से बनवाऊंगी, ठीक है। और नीतू जी भी रेडी हो चुकी है तो निकलते हैं अभी, क्योंकि धूप बहुत तेज़ हो गई गाइस। दोस्तों आ गई मैं मार्केट से, इतनी भयंकर गर्मी हो रही है ना भाई गाइस, हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठंडा पानी। और अभी मैंने बेल का जूस पी लिया, वो भी 1.5 गिलास, मतलब कि एक बार तो लिया, फिर उसमें 10 रुपये बचे थे तो मैंने 10 का और ले लिया। अब पेट पे ऐसा हो रहा है कि सब निकलता है। ओहो, हेलमेट रखना भी भूल गई, धूप की वजह से गर्मी इतना हो रहा था, सब वहाँ पे मैं रुक, जैसे स्कूटी उतारी जल्दी तुरंत ऊपर आ गई। तो दोस्तों दिन के 12 बज चुके हैं एंड अभी खाना वाना बनाने का अपने को सोचा नहीं, क्योंकि सुबह हमने आलू के पराठे बना लिए तो काफ़ी हैवी हो गया था। और अभी तो मैंने वो पिया, आवाज़ बंद हो रही है, अभी मैंने वो पी रखा है तो मेरे को और ज़्यादा हैवी सा लग रहा है। तो रोटी, आटा गूंदा हुआ है तो रोटी बनाऊंगी सीधे मैं, सब्जी भी है और आलू का सुबह का जो स्टफिंग थी वो भी बची हुई है, तो तन्नू का आएगी तो तन्नू के लिए पराठा बना लूँगी। एंड गाइस आज मैंने बहुत सारा काम किया छोटा छोटा, एक तो अमित की ये नई बेल्ट थी जिसका ये टूट गया था तो ये लगा के लेकर आई, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग तन्नू के लिए रबड़, अभी वाइट वाली नहीं मिली, ठीक है, रेड। मैं डेली रबड़ लेकर आ रही हूँ गाइस, यार ये रोज़ उसके लगाती हूँ चोटियों में, आती है स्कूल से आके खोल के फेंक देती है, फिर वो मिलती ही नहीं है, पता नहीं कहाँ डाल देती है, छुपा छुपा के परेशान हो गई हूँ उसकी रबड़े। आज ये फिर उसके लिए हेयर रबड़ लेकर आई हूँ, एक है टूथपिक जिसके अमित को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, रोज़ नहीं तो पिन लेके घूमते रहते हैं, उससे करते रहते हैं, ठीक है, टूथपिक आई हूँ। और एक गाइस हाँ, मैं ये मेरी स्लीपर थी जिसकी ना बद्दी टूट गई थी तो अभी मैंने लगा के लेकर आई हूँ। तो सोल तो इसका बिल्कुल नया ही था तो मैंने इसे बाथरूम वाथरूम के लिए यूज़ हो जाएगी, अभी आजकल मैं ये रोज़ ये पहन रही हूँ घर में, ठीक है। तो ये लगा के लेकर आई एक, मैं आज मैं गाइस लेकर आई हूँ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है। एक एक प्रकार की जड़ी है ये, तो मुझे मेडिकल वाले भैया ने बताया था तन्वी की जो चोट लगी है ना, जो उसका दाग है उसको मिटाने के लिए, मतलब तन चोट का दाग हो या जले का दाग हो, किसी भी टाइप का दाग हो ना, तो इससे वो सही हो जाता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, इस जड़ी को जो तेल होता है, कौन सा तेल, कोई सा भी, सरसों का तेल या नारियल का तेल,
वैसे दाग धब्बों के लिए बेस्ट रहता है नारियल का तेल, तो इसको ना नारियल के तेल में भिगा देना है रात को, वो पूरा तेल ना सुबह तक लाल हो जाएगा। मुझे लग रहा है लाल छड़ी है शायद, हमारे उधर को भी मिलती है नेपाल साइड को आई थिंक, मुझे लग रहा है वही है करके। फिर उसके बाद ना उस तेल को उस जगह पर लगाना है जहाँ पर चोट लगी हो या जला हो, तो ये उससे ये ठीक हो जाता है। तो अभी देखते हैं इसका ऐसा असर है, सही है कि नहीं है। ठीक है तो दोस्तों देखिए कुछ इस तरीके की दिखती है जड़ी, मैं आपको इसका नाम तो बताना भी भूल गई। इस जड़ी बूटी का नाम है रतन जोत, हाँ जी, तो इसको बोलते हैं रतन जोत यहाँ की लैंग्वेज में, मुझे लगता है और जगह क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, बट यहाँ इसको बोलते हैं रतन जोत। तो गाइस अभी जस्ट मैंने ये रतन जोत के बारे में यूट्यूब पर देखा, तो रतन जोत बर्न और एक्ने के लिए तो है ही, और मतलब दाग धब्बों के लिए तो है ही, बालों के लिए भी है, बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं बालों के लिए भी यूज़ करूँगी, अपने बालों के लिए। ठीक है तो इसको सरसों के तेल में डाल के बालों के लिए ऑयल बनाऊँगी, और तन्वी के लिए उसके लिए दाग के लिए बनाऊँगी। ठीक है और जो बनाऊँगी तो उसको मैं दिखाऊँगी बाद में आपको कैसे बनाते हैं करके। तो गैस में आ गई किचन में, वो तेल क्या कहते हैं तन्वी के चोट के लिए तेल बनाने के लिए, ठीक है रतन जोत से। तो यहाँ पे मेरे पास कोकोनट ऑयल है और एक पैन लेती हूँ, फिर कोकोनट ऑयल को हल्का सा गर्म करूँगी थोड़ा सा, देख सकते हैं मैंने धीमी आँच पे एकदम धीमी आँच पे रख दिया है इसमें। अब इसको डालेंगे हम रतन जोत, ठीक है एकदम डालते हैं, देख सकते कलर कैसे आ गया है गुलाबी गुलाबी का। तो तेल को गैस ना धीमी आँच पे ही रखना है, और धीमी आँच पे इसमें ऐसे पका लेना है समथिंग, मतलब जैसे कि थोड़ा सा मतलब ये इसमें जो जड़ी बूटी अच्छी तरीके से घुल जाए, और फिर इसको छोड़ देना है ठंडा होने के लिए। ठीक है तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तेल को छान लिया है, डिब्बी थोड़ी छोटी हो गई, ये तन्वी की क्ले की डिब्बियाँ थी तो इसमें छान लिया मैंने। अभी इसमें और बचा हुआ है, एक और डिब्बी ढूंढती हूँ, उसमें ढूंढ के फिर इसको ऐसे रख देती हूँ। ठीक है जले हुए पे और दाग धब्बों के लिए गाइस ये बेस्ट बेस्ट एंड बेस्ट तेल है। ठीक है अगर आपको विश्वास ना हो तो इसकी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, मेरे को तो जिसने अपने पे ट्राई किया है ना उसने मुझे बता रखा है, और उसके मैंने चेहरे पे देखा भाई जले का एक निशान नहीं था। तो गाइस अब दूसरे डिब्बे तो मैंने ले लिया, मुझे मेरी मेरी स्टील की छोटी सी देख सकते हैं कितनी छोटी है, ये एक इंच की भी नहीं होगी, एक उंगल बराबर है लगा लो मेरे, देखो एक उंगल बराबर है। तो ये मिली है तो इसमें भर देती हूँ तेल। ठीक है अब इसी में जो ये बचा हुआ है, ठीक है मतलब जड़ी बटी बची हुई है, इसी में हेयर ऑयल बनाती हूँ। तो इसमें मैंने सरसों का तेल ले लिया है, इतना ही लेती हूँ फरंगों का, तो फिर बाद में और डा बनाएंगे। ठीक है तो इसको भी उसी प्रोसेस से पकाएंगे, इसमें अभी जड़ी और डालेंगे क्योंकि ये जड़ी का तो कलर सब जितना भी था वो निकल चुका है, अभी धीमी आँच पे। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें मैंने रतन जोत और थोड़ी और डाल दी है, ठीक है ये तेल भी रेड रेड सा हो जाएगा, और बाकी जो बची है इतनी बच गई है इसको मैं रख देती हूँ बाद में काम आएगी। ठीक है अब कोकोनट मतलब मेरा वैसे भी ख़त्म हो गया है, तो अब दूसरा जब नया कोकोनट लेकर आऊँगी उसमें डाल के इसके लिए तन्वी के लिए और बनाना है। तो भाई सब एक हो चुका है एंड मैं जा रही थी तन्वी को लेने के लिए स्कूल, आज बंदर नहीं दिख रहे हैं, आम के पेड़ हो गए ना इतने बंदर रहते हैं यहाँ पे, तभी निकलती हूँ। गाइस तन्वी आ गई स्कूल से और आज उसका फेवरेट फ्रूट आ रखा है, बताओ कौन सा? वाटरमेलन। तो इस सीजन का फर्स्ट हमारा वाटरमेलन आ रखा है। ठंडा हो रखा है? ठंडा नहीं है, रख देती हूँ फिर, ठंडा नहीं है तो। एंड गाइस आज इतना गर्म हो रखा है ना, मैंने कूलर चला रखा है पर काफ़ी दूर पे, क्योंकि पास में चलाऊंगी ना तो इसको फिर ठंडा लग जाएगा, इस वजह से काफ़ी दूर रख रखा है वहाँ, देखिए ज़रा वहाँ से ठंडी हवा लेगा वो और इधर को फेंकेगा। ठीक है तो अभी खाना नहीं बना रखा, पहले वाटरमेलन खाते हैं फिर खाना खाएंगे। शाम के 7 बज चुके हैं, ठीक है एंड अभी मैं चल रहा था रात के खाने की तैयारी, तो दिन में हम लोगों ने तरबूज खाया ना, अब ये देखो ज़रा तरबूज के छिक्कलों से आप तन्वी की, तो तन्वी ने तरबूज खाया नहीं उसके बाद उसका एक ही रिमांड हो गया टूटी फूटी बनाओ। जी हाँ तो तरबूज के जो बाहर का भाग होता है ना उससे ना मैं उसके लिए हमेशा टूटी फूटी बनाती हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखा अगर आप लोग को देखना है किस तरीके से, तो मेरी वीडियो है 2 साल पहले की जिसमें मैंने टूटी फूटी बना रखी है, ठीक है
उसी मेथड से इसके लिए टूटी फूटी बनाऊंगी। रात के 9 बज चुके हैं एंड हम लोग का डिनर रेडी है, और आज डिनर में बना है तोरी और भात। तो मुझे गाइस ना तोरी की सब्ज़ी और कद्दू की सब्ज़ी ना भात के साथ बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा, पहले मैं सोची थी कल दिन में बनाऊँगी, फिर मैंने कहा कल दिन में दाल ही बनाऊँगी, और अभी बना लेती हूँ मैं तोरी और भात। देख सकते हैं मैंने आपको दे दिया पापा को, पापा ले गए आपकी थाली, क्या चाहिए? अच्छा तो ये रहा खाना, ठीक है, और ये रहा हमारा सलाद। गाइस खाना ना खा लिया है एंड अभी मैंने तन्वी के सर में मेरे जो आज तेल बनाया था रतन ज्योत वाला सरसों का तेल, उससे अभी मैंने इसके सर में मालिश की और बाल में पूरा तेल लगा दिया है। क्या? हाँ लाओ, मैं लगा दूँ, मैं रावण लगाऊंगी इनको। चलो आप ब्लॉग को एंड करना, ठीक है, पकड़ लो फ्लोर, फोन पकड़ो। आयो आपको ब्लॉग से लाइक एंड सब्सक्राइब, नीचे बेल आइकन दबाओ, क्लिक करो, तब तक लेवर सुबह जगह से।